ये पास कर देंगे अकोमोडेशन अकोमोडेशन से ज्यादा नहीं डाल दे दोनों में नहीं डाल दे आदि इसमें डालो जो जो डाल सो अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं ये इसमें डाल के ये ऑयल ऊपर दो ऑयल वैसे ही जर्मनी में नहीं मिल रहा और इधर आ सुबह सहरी के लिए उठा तो उस्मान साहब का मैसेज आया कि आज दावत है दावत अफ्तार है तो दावत अफ्तार है और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन है पीएसए जैसे कि आपको शायद आइडिया हो एक वेलकम का इवेंट भी हुआ था जो कि जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उन्होंने ही अफ्तार की दावत का इनेकाद किया हुआ था जिसमें पाकिस्तान से आए हुए जितने तलबात होते हैं उनको मधु किया जाता है कि वो वहाँ पे आए और सब गेट टुगेदर करें तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट हो पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग वो भी यहाँ पे जब बिजी स्केड्यूल होते हैं तो बहुत कम होती है तो मैंने अभी निकल चुका हूँ अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 हो रहे हैं यहाँ के मुताबिक और हमारा तकरीबन 18 घंटे का रोज़ा होता है तो तकरीबन 2-2.5 घंटे रहते हैं तो थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या अभी वहाँ पे बेसिकली जहाँ स्टूडेंट हाइम है जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पे कोई उन्होंने प्लान किया तो सबसे पहले प्लान ये है कि उस्मान साहब जो आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा वो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं बेसिकली इसके हेड भी आप कह सकते हैं या फिर आप उनके डायरेक्टर्स कह सकते हैं तो उनको मैंने जगह से पिक करना है उस जगह का नाम गार्डन है तो वहाँ से पिक करना है और फिर उनको ले कर वहाँ जाना है और फिर पिक करते हैं और लेके वहाँ पहुँचते हैं सो अभी निकले हुए हैं उस्मान को कॉल कर दिया तो वो तकरीबन 3 मिनट में होपफुली बाहर आ जाएगा तो और सबसे बड़ा अभी ये है कि पेट्रोल भी फिल करवाना होगा तो पहले मैं उस्मान साहब को पिक करता हूँ और उसके बाद इसको रीफिल करते हैं और यहाँ पे अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है कल ज़बरदस्त मौसम था ज़बरदस्त तरह की जो है ना सन भी निकला हुआ था आज हवा चल रही है और लेकिन यह है कि अभी ये जो ग्रीनरी है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत व्यू बन रहा है क्योंकि अभी मौसम खुल रहा है और फिर ऐसा ऐसा ये जो अभी आपको कम ग्रीन नज़र बिल्कुल यहाँ पे ग्रीनरी हो जाएगी सो दिस इज़ अ पार्ट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पे ग्रीनरी के साथ आपका जो है वो आँखों को ज़रा अच्छा लगता है के ज़बरदस्त मौसम है तो अभी तकरीबन जो मैप है वो बता रहा है 3 मिनट में इंशाल्लाह उस्मान साहब के पास पहुँच जाते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर उस्मान साहब को पिक करके गपशप लगाते हैं सो यहाँ से उस्मान साहब ने आना है और ये जो मुझे मिल गई है ना पार्किंग क्या खूबसूरत पार्किंग मिली है यहाँ पे जर्मनी में पार्किंग मिल जाना इज़ लाइक के आपको समुंदर कह रहा हूँ सराह के अंदर पानी मिल गया क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का नहायत ही ज़्यादा इशू होता है तो यहाँ पे अगर आपको वो पार्किंग जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता पेड तो पार्किंग काफ़ी होती है लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी पेमेंट अगर आपको पार्किंग मिल जाती है तो ऐसे ही समझें जैसे आपने जो है ना सराह के अंदर पानी ढूँढ लिया तो आई एम वेटिंग ये यहाँ से आप देखो कितनी देर में आता है तो वेटिंग और फिर फ्यूल भी टैंक भी करना है सो लेट्स सी कितना टाइम लगाते हैं वाह जी वाह वो मुबारक घड़ी आ गई ठीक ठाक आ गए हो वालो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है वालो आगे जाके बनाया जी साइडल पे आके यार सबसे पहले इस तरह करना है ना कि टैंकी थोड़ा पेट्रोल पा लेने ठीक है कहाँ से लेता है पेट्रोल पीछे पेट्रोल कहीं से भी डलवा लेते हैं चलते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं फिर अभी मैं यहाँ पे अकेला वेट कर रहा हूँ क्योंकि जो उस्मान साहब है वो गए हुए हैं बाहर उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है अफ्तारी के लिए क्योंकि ऑर्गेनाइज़र है फिर उन पर ज़िम्मेदारी भी होती है और मैंने उनके साथ जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जैसे बताया कि अब एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसे कहते हैं हॉब बनूफ वहाँ पर आपको कैसे पार्किंग मिल सकती है तो इसलिए मुझे गाड़ी के अंदर बैठना पड़ा क्योंकि मुझे
एक दफ़ा फ़ाइन हो चुका है, वो भी 30 यूरो का, सिर्फ आपकी गलत पार्किंग वजह से। आप एक छोटी सी चिट लगा के चले जाएंगे बाहर गाड़ी के अंदर, और मतलब बाहर जो आपकी इस जगह पे आपको चिट लगा के चले जाएंगे, और आपको लेटर आ जाएगा और आपकी तस्वीर बनी होगी गाड़ी की कि भाई साहब इतने पैसे और इतना आपको फ़ाइन हुआ है, आप जो है ना बड़े आराम से जमा करा दें। तो एक दफ़ा एंड हो चुका है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा पार्किंग का फ़ाइन ना हो। तो हाफ वन ऑफ का जिक्र किया, तो मैं आप व्यू सामने, ये है जी हमारा सेंट्रल हाफ वन ऑफ और रेलवे स्टेशन है जहाँ से लोग ज़्यादातर, ये शॉपिंग सेंटर है और वो सामने रेलवे है जहाँ पे उस्मान साहब गए हैं, और ये है जी वन ऑफ। साहब क्या लाए हो हमारे लिए? कुछ नहीं लाए, फ्रूट चाट वगैरह लाए। फ्रूट चाट किधर डालेंगे? फ्रूट पीछे बैग में, बैग में। फ्रूट में क्या खाओगे? फ्रूट में यार वो देखी थी वीडियो? मैंने नहीं देखी, तुम्हें दिखाते हैं। चलो वीडियो मुझे दिखाना, कौन सी वीडियो की? पहले जी आप उस्मान साहब आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं। मौसम भी बड़ा खूबसूरत, धूप शूप निकली है, लेकिन इस धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, ये धोखा है किस चीज़ का? ये धूप जो है ये एक धोखा है। तो अभी हम निकलते हैं, अभी हमने टैंक फुल करवाना है, टैंक फुल करवाना, और फिर कहाँ जाना है हमने? फिर हम जाएंगे पार्टी की तरफ। चलो पार्टी करते हैं। चलो जी निकलते हैं अब यहाँ से। अब हम जैसे कि जिक्र किया था कि टैंक डलवाना है, तो E10 ये है सुपर E10, ये जी सुपर। ले जाती है? हाँ वो पहले ही कर दिया मैंने तो। चलो जी अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पाओ। किधर लगाया तुमने? पीछे लगा, पीछे लगा, मैं भी हूँ ना। हार्ट अटैक ना आ जाए तुझे। तो जो है वो टैंक डाल दिया पाकिस्तान में, तो वह चुप करके गड्डी बह जाओ कि बंदे पेट्रोल डलवाने के लिए, यहाँ पे हर काम आपको खुद करना पड़ता है। तो अभी ये यहाँ से हम गड्डी भगा भी नहीं सकते, तो अभी जाना पड़ेगा वो सामने कुछ भी नहीं गएगा। मैं तो कहता भाग जाता, कोई बात नहीं, देख तो अभी पेट्रोल ही आ गया, तो हम जाने हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, उसे जाके हम पार्टी करते हैं। पार्टी करे सा, बंद कर दूं। लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो जो ही रूम के अंदर इंटर हुए, तो वहां पे टीम्स बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, कोई फ्रूट चाट बना रहा है, कोई दही बल्ले बना रहा है, कोई फ्रूट काट रहा है, और एक साइड पे बड़ा एक ट्रे नजर आया जिसके अंदर मुर्ख चने बने हुए थे, जो कि बहुत से लोगों की फेवरेट डिश होती है। तो उसमें जो सबसे दिलकश लगा वो मुझे फ्रूट चाट की लेयर्स लगी, अंगूर, केले और डिफरेंट लेयर्स के अंदर जिस तरह एक बड़े बॉक्स के अंदर वो बनाया गया, वो देखने का प्रोसेस वो लेने वाला। इसमें
एक पे कर दो इसको एक बस बेटा पहले हिला ले वो बूंदियां भी मसाले वाली हैं केले करके यार ले आए ये पास कर दे ये हम फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं आधे के अंदर उसके अंदर ये मैं चमचा इनको दे दूंगा ये लीजिए चमचा आपका हुआ हमें क्रीम मिल रही है क्रीम मिल रही है क्रीम क्रीम लगी बात है थोड़ा पानी मिलाना चाहिए दूध दूध भी स्पेशल मिक्स कर रहे हैं ये देख गाड़ी थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करके डालो वैसे कितने केजी होगी होगा ये दोनों मिलाकर 20 केजी दोनों 20 केजी का एक है नहीं नहीं 10 केजी का टोटल फ्रूट चार्ज है ना वो 20 केजी के क्योंकि 8 किलो इसमें सेब है 8 किलो ही इसमें बनाना है और बाकी ग्रेप्स 3 किलो 8-8 16 और 1 किलो कॉकटेल वो फ्रूट्स है यस फिर हमने अपने वो डाली इसमें क्रीम वगैरह की तकरीबन ये 20 किलो फ्रूट चार्ज 500 ग्राम फॉर वन वाह जी वाह सारी मैं इसमें डाल रहा हूं मैं उसमें भी डालनी है एक मैंने इधर डाली है अच्छा उधर तीन कितने पैकेट डाल दो डाल देंगे एक डाले एक फ्रेश क्रीम डाले एक बस ये किस पे जाना है चौधरी थी ये इस पे डाल हां हां फिर इधर इधर भी डालो इधर भी डालो यार काम तो स्पेड हो गया हमारी दो टीम्स हैं जो काम कर रही है एक फ्रूट चाट और एक प्री इफ्तारी से कहते हैं और एक हैप्पी एंडिंग वाली इफ्तारी एक में हम खाना खिलाएंगे सबको ये वाली टीम ज्यादा अच्छी है काम कर रही है वहां देखो कुछ नहीं हो रहा वो यहां पे आपको नजर आ रहा है व्हाट व्हाट्स हैपनिंग उधर कुछ नजर नहीं आ रहा आफा साहब आप क्या कहेंगे प्रेसिडेंट साहब को फोन लगा के ला रहे हैं ये जबरदस्त कुछ नई चीज बनने वाली है पता भी यस मैन और ये बहुत अच्छी चीज है मसाले भी डाल रहा है हमारा डब्बे में चम्मच से ला मसाले भी चाट मसाला नहीं यार क्रीम डालने का फायदा क्या अगर चाट मसाला ही डालना है मीठी चीज डालो ना नमक वाली चीज क्यों डाल रहे हैं हमारी जो है फ्रूट चाट वो तैयार हो गई है ये भी तैयार होने वाला है मुझे लग रहा है इसमें हमारी क्रीम कम है छोटी मोटी बातें डाले ना क्रीम बहुत है सारा डालो डालो ये वाली है ना और ये हमारा जो है फ्रूट चाट ये बेसिकली ये फ्रूट चाट नहीं है ये क्रीम चाट बन गया रशियन सैलेड बन गया सॉरी इसमें हम सब पीएसए वालों का प्यार है और जो वॉलंटियर्स हैं उनका प्यार बहुत इमोशनल सपोर्ट किया है इमोशनल ले रहे हो तो मस्त है
और कुछ लोग हैं वो कुछ लोग हैं उन्होंने हमें मौके पे कहा है कि हमारी असाइनमेंट है, हमें बहुत जरूरी काम है, हमने जाना है, बहुत ज्यादा आगे हो गया, 20 किलो बन गया, इधर 40 लोग हैं यार, 40 किलो फ्रूट चार्ट हो गया, 40 किलो ब्रदर है, 40 लोगों में भी आधा किलो तो कोई डालना ही है, शैडो मिक्स डालना है, आधा किलो और भी खाएं, नहीं 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 नहीं, ये इनको सामान को पीछे रखो यार, कंटिन्यू, मैं तो कहूंगा कॉकटेल लेके आओ, कॉकटेल डालनी चाहिए, सबकी पसंद रूह अफ़ज़ा, 40 लोग हैं, हर बंदा 500 ग्राम खाएगा तो खत्म होगी, हाँ 500 ग्राम खाएगा तो 500 ग्राम कोई भी नहीं खाएगा, हाँ 500 ग्राम क्या वो गधे पाले हैं, लेकिन डालने में डाल सकते हैं, नहीं 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 डालना पाले में तो नहीं यार, यार 5 यूरो का है, दो ही होगी, एक और आनी चाहिए हमें, एक बड़ी आनी है, इसको दोबारा गर्म कर रहे हैं यार, गर्म नहीं तरी डालेंगे, तरी डाल के थोड़ा ना उसको मिक्स कर देंगे, वो इसको उधर कर, इसको उधर कर, इसको यहाँ कर, हमारे पास नहीं है, ये इसमें डाल के ये ऑयल ऊपर ये ऑयल वैसे ही जर्मनी में नहीं मिल रहा, और इधर हम देखो ऑयल किस तरह फेंक रहे मुझे मजे आ रहे हैं, मिल रहे ये सारा ऑयल है जो कि जाया हो गया, तरी है अच्छा, तरी जाएगी जाएगी, अच्छा जाया नहीं हुआ, मैंने कहा यार जाया हो जाए, ये हमारे अनदर कंटेंट क्रिएटर है ये कह रहे तरी नहीं तेरी है अब तरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी ना तीनों में, जैसे हमारी जबान में शोरबा कहते हैं, ये एक पतीले में गई है तरी, ये सारी पतील तीनों पतीलों में इक्वल मिक्स हो गई, दूसरे में आपको कहा था ये सारी मिक्स करनी है या बस जितनी होगी है, बिल्कुल बिल्कुल इसके बगैर फ्रूट चाट समोसे चलो यार वापस आओ ना, नहीं यार अभी थोड़ा
कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा बनता है। अभी तो बस केमिकल तैयार ही हो रहा है हमारा। दूसरा शैम्पू को ला के ना सर लगा, चीनी भी आ गई, चीनी भी बहुत जी। और बंदे को इतना डाल दिया आप देखो, हम ब्राउन खा रहे हैं। ब्राउन अनहेल्दी नहीं है, कुछ नहीं होता, मिक्स हो रहा नहीं अंदर, बड़ा नहीं ब्राउन। ये भाई हम आपको वाइट देंगे, हम आपको वाइट देंगे, इतना मिल नहीं है वो चम्मच तो ग्राम। आप क्या पढ़ रहे हैं? हेलो, मैं ले लिया, नहीं मैं भी वाइट है, वाइट नीचे नहीं नहीं मेरी बात यार, इसी तरह दो चाहिए। चीजें तैयार करने के बाद एक बड़े हाल में सारी चीजों को भिजवाया गया, जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने बुफे की तरह सब वहाँ पे बैठे थे, बारी बारी आए अपनी जो आपके दही बने थे उनके बाद वहाँ पे खड़ा था जो और था और ये इवेंट क्लोज हो गया है और आप सारे जो है सारे अपने अपने घरों को जाते हुए, तो इस तरह के इवेंट होना चाहिए। ये अपना इवेंट इख्तिताम को पहुंचा और अभी ये सारी क्लोजिंग चल रही है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट, बताएं भाई कैसा रहा इवेंट, बताएं जी। आपने गाना गाया, बताएं जी। बहुत जबरदस्त इवेंट था, बहुत एंजॉय किया और ऐसे इवेंट होना चाहिए। एक छोटी सी कम्युनिटी है जो कि मिल बैठते हैं, अपने खुशियां भी बांटते हैं और गम भी बांटते हैं, तो ये इवेंट होने चाहिए। और होपफुली रमज़ान के बाद ईद का इवेंट भी इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसका व्लॉग आपको मैं शेयर करूंगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। मिलते हैं फिर ईद वाले व्लॉग पे।